हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं आज रविवार होने से मेरी जो ऐप है फलक ऐप, उसके ऊपर प्राइस टेस्ट होता है। तो टेस्ट था 8 बजे से 8:40 तक। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है आप भी टेस्ट जरूर दें। और अब है उस टेस्ट के सॉल्यूशन, के टेस्ट में सॉल्यूशन क्या क्या है, क्या क्या आपको सवाल दिए थे, उन्हें कैसे कैसे करना था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक है, फर्स्ट, यदि n, ठीक है, n कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, तो n क्यूब माइनस n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। मतलब है n क्यूब माइनस 3 किससे डिवाइड होगा। अब ये n क्यूब माइनस 3 है क्या है, कौन है n क्यूब माइनस 3, कहां से आएगा, तो क्या करेंगे अपन, n की वैल्यू पुट कर लो। तो n की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहां पर देखो क्यूब माइनस 1, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 क्या है, क्यूब, 1 का क्यूब 1, माइनस 1 1, मतलब 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए n की वैल्यू कम से कम भी रखो तो कितना रखना, 2 रखना। तो n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो n की वैल्यू को 2 रखने पर, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब हुआ 8, और 8 में से 2 गया कितना आया दोस्तों, 6। जब अपन n की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी। अगर n की वैल्यू 3 रखे तो दोस्तों, तो 3 का क्यूब माइनस का 3, 3 का क्यूब 27 हुआ, 27 में से 3 माइनस करो कितना आया, 24 आया। ठीक है, उसके बाद अगर n की वैल्यू 4 रखते हो तो n की वैल्यू 4 हो तो यहां से क्या हो जाएगा, n मतलब 4 का क्यूब 64 माइनस 4, 64 माइनस 4 कितना आया दोस्तों, 60। आपको दिख रहा होगा यहाँ जो नंबर आ रहे हैं 6, 24, 60, इन सब में बड़ी से बड़ी किस संख्या का भाग जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 6। अब सबसे छोटा नंबर जो दिख रहा है वो 6 है, तो 6 में अगर भाग जाए वो भी बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 में भाग 2 का जाता, 3 का जाता ना, 6 का जाता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, 6। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या था दोस्तों, 6 था। क्लियर, तो यहां से इसका आंसर ये 6 है। चलो सेकंड सवाल देखते हैं। और सेकंड सवाल था, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कोई नंबर है जो 32 से भाग देते हो तो शेष पर आता है 29, ये ऐसे 29। बहुत ही शानदार पैटर्न है और इस पैटर्न का सवाल बहुत बार आपको मैंने पढ़ाए हैं। तो बताओ इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है। इस सवाल का पैटर्न आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इस तरह के सवाल जब भी कभी एग्जाम में आए तो इसका तरीका होता है, पहले आपने जो भाग लगाया उससे जो फर्स्ट रिमाइंडर है, मतलब पहला वाला शेषफल, पहले वाले शेषफल में आपको भाग लगाना होता है। दूसरी बार जो भाग बोलता है कि 8 का भाग लगाओ तो शेषफल बताओ, तो आपको भाग कहां लगाना है, पहले वाले के शेषफल में। तो पहले वाले का शेषफल कितना था, 8, 8 का भाग लगाओ 29 में, कितना हो गया, 8 3 24, 29 में से 24 गया कितना आया दोस्तों, 5। तो इसका शेषफल कितना आया, 5, मतलब सेकंड सही था। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दूं, संडे को इस टेस्ट को कराने का मेरा मकसद ये है कि सोमवार से शनिवार जो मैं पढ़ाता हूं, पहले संडे को छुट्टी हो रही थी, तो संडे को भी छुट्टी नहीं हो और सातों दिन मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊं, इसलिए मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने रविवार को टेस्ट लिया है। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या है तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या, दो अंकों की कोई भी संख्या हो उसके अंकों को अगर पलटा जाए, इंटरचेंज किया जाए तो ऐसे, तो यहां पर पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। आप सबको पता होगा, एक बेसिक जानकारी पहले बता दूं, दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के योग में, के जोड़ में हमेशा 11 का भाग पूरा जाता है। और अगर इनके डिफरेंस की बात करें, बड़ी संख्या को आगे रखना, मैं सिर्फ बताने के लिए डिफरेंस बता रहा हूं, डिफरेंस की बात करें तो इसमें हमेशा 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब सवाल क्या है, दो अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, अंतर 27 है, तो यूं समझो ये कह रहा है कि अंतर 27 है, मतलब जो भी नंबर आया होगा दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटा होगा तो अंतर कितना आया, 27 आया। मैंने आपको बोला है कि अंतर जो होता है उस अंतर में हमेशा 9 का भाग पूरा जाता है, तो अंतर है 27, 27 को भाग लगा दो 9, कितना आया, 3। जो अंतर होता है उसमें 9 का भाग लगा, तो जो आपका यहां दिख रहा है अंतर, ये जो नंबर आया है वो एक्चुअल में क्या होता है, अंकों का अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों, अंकों का अंतर होता है, तो अंकों का अंतर कितना आया, 3 आया, तो
तो अंकों का अंतर 3 आया। अब आते हैं कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, सीधा सा पूछा है कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, तो अंकों का अंतर कितना है 3, और कुछ भी नहीं पूछा था आपसे। तो यहां पर सीधा सीधा सवाल है कि अंकों का अंतर कितना है, तो इसमें यही पूछना चाह रहा है एग्जाम वाला कि आपको ये पता भी है या नहीं है कि अंकों के अंतर में भाग जाता है किसका, मतलब संख्या में भाग जाता किसका है। तो इसलिए 9 का भाग लगा दिया, 3 आ गया, खत्म। अगला है देखो दोस्तों, फलक ऐप पर, मेरी जो ऐप है उस ऐप पर जो कोर्स है, मैंने आपको बार बार बोला है कि अभी मैंने 5 दिन के लिए इसकी प्राइस जो है वो कम कर दी है, 5 दिन में से 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन और है, 3 दिन के लिए ऑल टॉपिक मैथ्स में जितने टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक का जो वीडियो है वो वीडियो कोर्स, मैथ्स का वीडियो कोर्स आपको मिलने वाला है 399 में, जो 999 का है वो 399 में दे रहा हूं मैं सिर्फ। और यहाँ रीड फर्स्ट लेवल का पूरा कोर्स मात्र 201 रुपए में पूरा कोर्स दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी करना, 3 दिन ही बाकी है अब। और रीड सेकंड लेवल साइंस का अगर आपको पूरा वीडियो कोर्स चाहिए तो वो मिलने वाला है आपको 249 में, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, किसी संख्या को, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी, उसको बोला गया तो 12 से गुणा करना, उसने त्रुटिवश गलती से उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। अब सोचो करना तो था किससे, 12 से, कर किससे दिया 21 से, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो यूं समझो मैं बड़े को पहले लिख दूं 21 और इधर कितना है 12, तो करना तो था 21 से, कर किससे दिया, सॉरी करना था 12 से, कर किससे दिया 21 से। फिर ये क्या बोल रहा है, तो उसके द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया, तो सही बात है अगर वो गुणा बढ़ेगा करेगा तो आंसर अधिक आएगा, तो 63 अधिक आया। मैथ्स में अधिक होना, कम होना, ज्यादा होना, छोटा होना, बड़ा होना, इन सब का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना रहा, 63 रहा। ये हुआ 21x, इधर आया 12x, बराबर आया 63, तो 21 में से 12 गया कितना है दोस्तों 9x, 9x बराबर आया 63, तो x का मान कितना आया 63/9, और 63/9 से आंसर आया 7। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हुआ 7, तो संख्या क्या आ गई 7, तो इसका आंसर कौन सा था, पहला वाला, क्लियर। नेक्स्ट देखो, 1.2 0.24 तथा 6 का LS क्या है, मतलब LCM क्या है, तो यहां पर क्या आएगा LCM क्या है, LCM निकालने के दोस्तों दो तरीके, पॉइंट वाले के, पॉइंट के बाद के नंबर इक्वल कर लो या फिर इसका पॉइंट ही हटा दो, तो दो तरीके मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, कौन सा तरीका आपको बताता हूं, पॉइंट के बाद इक्वल करने वाला तरीका, मतलब 1.2 है, 0.24 है, और यहां कितना है 6 है, तो क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद के नंबर इक्वल करने, तो पॉइंट के बाद यहां कितना है 1 ही है, जबकि यहां कितना है 2, तो हाईएस्ट कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं 2, तो पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर करना है, तो यहां 2 करने के लिए 0 लगा दिया, 0.24 ये 24 और 6 है, अब इसमें तो पॉइंट भी नहीं है तो भी लेना तो पड़ेगा, तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, मतलब पॉइंट के बाद के नंबर इक्वल होने चाहिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब यहां से पॉइंट को ही हटा दो, आपके पॉइंट है ही नहीं, 120 यहां से 24 और यहां पर कितना हुआ 600, ठीक है। लस एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जब किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए तो बड़ी वाली एलसीएम होती है, जैसे आप समझो कि 24 का भाग अगर 120 में जा रहा है, तो 24 का भाग 120 में अगर जा रहा है तो 120 क्या है, एलसीएम है। छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए तो बड़ी वाली एलसीएम होती है। और मैं हमेशा क्लास में कैसे सिखाता हूं दोस्तों, जब पिताजी खड़े हैं तो बेटे की जरूरत नहीं है, पिताजी काम संभाल लेंगे, तो बड़ा अगर खड़ा है तो छोटे की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, वहां से शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 600, 120 का भाग 600 में जाता है, मतलब 120 को लेने की जरूरत नहीं है। 24 का भाग लगाओ, 24 का भाग 600 में लगाओ, 600 में जाता है, इसका मतलब 24 की जरूरत नहीं है, तो फिर तो इस सवाल का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया नंबर, लेकिन पॉइंट लगेगा फाइनल आंसर में, पॉइंट लगेगा, तो अभी यहां कितना लिखा 600 और दो अंक से पहले क्या लगेगा पॉइंट, तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर तो 6 ही हो गया। एक तो ये, दूसरा मैं बताता हूं, अगर ऐसे याद नहीं आया, मतलब 24 का भाग नहीं लगाने आया, तो इतना बड़ा कैसे करोगे, तो यहां से क्या करना, ये नंबर ले लेना बिना पॉइंट वाले, फिर लगा देना भाग, फिर सबसे बड़ा भाग जिसका भाग आपको लग रहा है कि हाँ सब में जा रहा है, तो सब में लगा दो, 12 का भाग जा रहा है, तो 12 से 10 बार, 12 से 2 बार, 12 से 50, अब सब में किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 का भाग लगा दो 5, 1 और 25, अब किसका भाग जा रहा है 5 का, 1 1 5, फिर किसका भाग जा रहा है 5 का, 1 1 1,
अब आप देखो इसका गुणा करो 12 इंटू दो 24, 24 इंटू पांच 120, 120 इंटू पांच 600, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम कि 600 आएगा। लेकिन हमने पॉइंट हटा के फिर लिया तो पॉइंट तो वापस लगाना ही है, तो पॉइंट अगर वापस लगाएंगे तो दो अंकों से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो दो अंकों से पहले पॉइंट लगेगा मतलब यहां लगेगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा दोस्तों, फाइनल आंसर होगा कितना 6, तो फाइनल आंसर आया 6, मतलब ये वाला ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है एक साथ, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। मतलब एक घड़ी 20 मिनट बाद वापस आवाज करती है, दूसरी 30 मिनट बाद और तीसरी 40 मिनट बाद, तो तदनुसार उसके अकॉर्डिंग पुनः एक साथ, दोस्तों ध्यान रखना ये वर्ड एक साथ, एक साथ वे कितनी बजे बजेगी, कभी भी एग्जाम में अलग अलग समय देकर एक साथ अगर बोले तो एक साथ का मतलब होता है एलसीएम। अगर एक साथ निकालना हो तो एक साथ का मतलब है एलसीएम निकाल दो, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल दो। 20, 30 और 40 का एलसीएम लोगे, जिसका भाग सब में जाए पहले उसका भाग लगा देना, सब में किसका भाग जा रहा है 10 का 2 बार 3 बार और 4 बार, अब भाग किसका जा रहा है 2 का 1, 3 और 2 बार। अब देखो कुछ कॉमन है, जब कॉमन आना बंद हो जाए तो भाग भी लगाना भी बंद कर दो, कॉमन नहीं आ रहा है भाग यही रोक दो, 10 × 2 = 20, 20 × 3 का गुणा करो 60, 60 × 2 = 120, इसका मतलब इस सवाल का एलसीएम 120 आया। अब 120 क्या आ रहा है मिनट, तो यहां पर 120 मिनट आया, मतलब सवाल कह रहा है कि तीनों घंटियां एक साथ 120 मिनट बाद बजेगी, एक साथ 120 मिनट बाद बजेगी। अब ये सुबह कितने बजे बजी थी एक साथ, 11 बजे बजी थी, अब 11 बजे अगर ये एक साथ बजी है तो 120 मिनट का मतलब दोस्तों कितना होता है दो घंटे बाद ये सब एक साथ वापस बजेगी, तो 11 और 2 घंटे कितना हो गया 1 बजे, 1 कब की, तो सब में अफरान लिखा हुआ है दोपहर, तो दोपहर की कितनी हो गई 1 बज चुकी है, 2 घंटे पूरे हो गए। आगे देखो, आगे है 13/15, ठीक है, फिर है 15/17, फिर है 17/19 और फिर है 19/21। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्नक कौन सी है, तो भिन्नक को छोटी बड़ी निकालने का मैंने पिछले टॉपिक वीडियो जो है उन वीडियो में पढ़ाया था आपको कि भिन्नक में छोटी बड़ी निकालनी हो ऊपर की संख्या सारी सेम रखो, ऊपर की सारी संख्या सेम रखो और ऊपर और नीचे कितना अंतर है वो नीचे लिखो, 13-15 में अंतर 2, 15-17 में अंतर 2, 17-19 में अंतर 2 और 19-21 में अंतर 2। डायरेक्ट नीचे की तरफ क्या लिखोगे अंतर, ऊपर की संख्या न्यूमेरेटर अंश है जैसे रखोगे और नीचे लिखोगे डिफरेंस। अब लगा दो भाग, 2 का भाग 6 बार, अच्छा पॉइंट में भी लगाना है, सिर्फ भाग लगाना है पूरा जाए उतना, 2 का भाग 7 × 14, 2 का भाग 8 × 16, 9 × 2 = 18, सबसे बड़ा आंसर किसका आया 9 का आया, तो ये किसका आंसर है 19/21 का, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई 19/21 हुई। और दूसरा और पढ़ो तो, जब किसी भिन्न में सीरीज चल रही हो, सीरीज मतलब बड़ा 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 नंबर चल रहा हो, तो सीरीज अगर चल रही हो तो सबसे बड़ी संख्या जो आपको नजर आएगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर सीरीज का पैटर्न फिक्स है तो सीरीज किसे कहते हैं 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, यहां 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, इसे कहते हैं सीरीज, तो सबसे बड़े वाला बड़ा होगा। क्लियर, अगला सवाल देखो, तो दोस्तों आपके सामने है यहां पर लिखा है रीट, रीट की सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस पेपर, रीट के सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस पेपर मैंने लॉन्च किए हैं, वो 1 जून से लगाकर 30 जून तक सब्जेक्ट वाइज आपको मिलने वाले हैं पेपर। सब्जेक्ट वाइज पेपर कहाँ मिलने वाले हैं, मेरी जो ऐप है फलक ऐप पर, और उसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, आप आराम से पढ़ाई करिए, मजेदार आप पढ़ाई करिए, और ऑप्शन जो है ऑनलाइन पे है, और ऑनलाइन सबमिट करिए और तुरंत आंसर देखिए, तो अपने आप को पहचानने का तरीका सिर्फ 2 मिनट में, आप आराम से डाउनलोड करिए ऐप, डाउनलोड करके टेस्ट पेपर में जाइए, टेस्ट पेपर में रीट 1 और रीट 2 लिखा हुआ है, उसके अंदर आप एसएस वाले बच्चे हैं, साइंस वाले हैं या रीट फर्स्ट वाले, कोई भी हो, मैथ्स है उसमें, हिंदी है, साइकोलॉजी है, शिक्षण विद्या है, हर डे टू डे जो है, जैसे मंडे को हिंदी, मंगलवार को इंग्लिश संस्कृत, फिर साइकोलॉजी, ईवीएस साइंस, ऐसे आते हैं पेपर, तो आराम से पेपर दीजिए और अपनी तैयारी करिए। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल लिखा है 7.7 के ऊपर बार का मान क्या होगा, तो ये फ्रैक्शन का सवाल है भिन्न का, तो क्या करेंगे दोस्तों 7.7 बार, मैंने जब भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाया था तो फ्रैक्शन में क्या सिखाया कि जब भी कभी यहां नंबर आए तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट और बार दोनों हटेंगे, तो नंबर बनेगा पूरा 77, जो अंक रिपीट नहीं हो उसे माइनस करो,
इसके ऊपर बार लगाओ, मतलब ये सात रिपीट हो रहा है लेकिन ये सात ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करोगे माइनस करोगे, ये माइनस कर दिया। फिर है जितने अंकों पे बार हो उतने नीचे नौ आते हैं, एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार नीचे नौ आया, इसके कारण तो पॉइंट से पहले कोई भी नंबर आ जाए तो उसके कारण नीचे अपन कुछ नहीं लिखते हैं, पॉइंट के बाद कोई आता है तो अपन नीचे कुछ लिखते हैं, पहले आने से नहीं लिखते हैं। तो 77 में से 7 घटा दो, 77 में से 7 घटाओ 70 और बटा में क्या आया 9। अब आप 9 का भाग 70 में लगा के देखो, आपका आंसर वापस 7.7777 आता रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा था 70/9। अगला सवाल देखो, अगला लिखा हुआ है 3.47, 47 पे बार लगा हुआ है, 4.53 पे बार है, 0.08 पे बार है, का मान क्या होगा। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में भी पूछा गया था। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ जो नंबर दे रखे उन सब के बीच में प्लस है। तो मैंने जब फ्रैक्शन पढ़ाया तो सिखाया था, और आपको नहीं पता मैं बता दूं, कभी भी ऐसे बार वाले नंबर के बीच में प्लस या माइनस आए तो कभी भी इन्हों भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज मत करना, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया है। तो फिर क्या करोगे, बार कहाँ लगा हुआ है 47 के ऊपर, मतलब 47 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करना इसको तीन बार लिख देना कम से कम, कम से कम तीन बार, मतलब छह अंक होने चाहिए। सिंपल जैसे जोड़ते हैं ना वही रखो बस। अब अगला वाला जोड़ना, तो अगला जोड़ेंगे 4.53 53 53, ऐसे रखो। फिर है लास्ट में 0.0.08 08 08, इस तरह से रखो ये। अब आपको प्लस करना था, सबको प्लस करना है, सबको एक साथ प्लस कर दो, तो 7 और 3 10, 10 और 8 18 18 के 8, हासिल 1। 4 5 कितना हुआ 9 9 और 1 10 10, हासिल 1। फिर 7 10 10 18 19, हासिल 1। फिर यहाँ पर वापस 9 10, हासिल 1। यहाँ पर 19, हासिल 1। 10 का 0, हासिल 1। और यहाँ आया 8। बस इसमें एक गड़बड़ होगी, वो क्या होगी देखो, यहाँ 09 09 08 आया। क्यों आया 08, क्योंकि इसको किसी ने हासिल नहीं दी, जबकि नंबर इधर कोई खत्म तो हुए नहीं है, नंबर तो सब अनलिमिटेड है, चाहे जितने ले लो आप। तो इसका मतलब पीछे जो नंबर रहा होगा तो वो भी इसको हासिल देगा, और अगर इसको हासिल देगा तो इसका मतलब यहाँ का नंबर भी बढ़ेगा। इसलिए हमेशा आपको इधर से पढ़ना रहता है कि इधर से पढ़ा करो पैटर्न क्या आ रहा है, 8.090908। तो ये 8 नहीं है, वो भी क्या आएगा 9 ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 8.09 के ऊपर लग गया बार, क्योंकि ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है 8.09। क्लियर। अगला देखो, एक सेकंड एक घंटे का कितना दशमलव भाग है, मतलब पॉइंट ये बताना है। तो एक सेकंड बताना है और वो बताना है एक घंटे का। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, बस ये पता कर लो। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड मतलब 3600। तो एक बटा कितना आया दोस्तों 3600 आया। अब ये बोल रहा है कि इसको पॉइंट में करके बता दो आप, तो कि इसका इसमें भाग लगा दो, अगर इसका इसमें भाग लगा दो तो आंसर आ जाएगा। अब 3600 का भाग लगाओगे तो आइडिया लगाओ कि 3600 का भाग जाएगा कैसे। तो 3600 का भाग लगाना हो तो आप क्या करना, 1/36 अलग कर दो, 100 अलग कर दो, क्या करो 36 अलग 100 अलग। अब आप भाग जो लगाओगे, भाग किसका लगाओगे, 36 का लगाओगे एक में, 100 का तो बाद में लगा देंगे, एक का भाग एक में भाग लगाओ 36 का, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, 36 का भाग लगाएंगे एक में। सबसे पहले लगाया पॉइंट, यहाँ आ गया जीरो, भाग जा रहा है नहीं, एक और जीरो चाहिए, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो लग जाएगी क्योंकि आपने दो बार ले लिया। अब इसके अंदर भाग लगेगा तो 36 का भाग जाएगा दो बार, तो यहाँ पर दो बार कितना आया 72, ठीक है। एक बार आप देखो कि यहाँ पर 0.02 आ रहा है, वो कहाँ का आ रहा है उसके हिसाब से। फिर अभी तो 100 का भाग बाकी है, तो आप एक बार काम करो, बस इतना से भाग लगाओ और ज्यादा मत लगाओ। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमने भाग लगा दिया, 0.02 मिला, लेकिन अभी तक हमारे 100 का भाग लगाना बाकी है। आप 100 का भाग और लगाओगे तो नीचे कितने जीरो है, दो जीरो है, तो दो अंक जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट दो अंक और आगे आ जाएगा, क्योंकि आप नीचे दो जीरो का भाग और लगा रहे हो। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा, तो यहां से उठ के दो कदम और आगे आएगा, तो दो और जीरो तो पहले से है ही है, दो कदम और आगे आएगा तो एक और जीरो, फिर यहां आएगा पॉइंट। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका पैटर्न ऐसा बनेगा, 0.000 कितनी बार जीरो आएंगे, तीन, पॉइंट के बाद तीन जीरो देख लो कहां पर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद दो जीरो, एक जीरो, तीन जीरो, और तीन जीरो के बाद एक आ रहा है, जबकि तीन जीरो के बाद दो आ रहा है, तो तीन जीरो के बाद दो कहां आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक। आगे देखो, अब देखो अगला सवाल, 81 की पावर है 0.75।
अगर 75 का पॉइंट हटा दो 100 और 25 से काट दो तो 25 से काटने पर 3/4 तो 81 की पावर हो गई 3/4। अब 81 को लिखेंगे पावर के रूप में तो 81 होता है 3 की घात 4। 81 के टुकड़े करो 9 × 9 और 9 × 9 9 में 2 बार 3 इसलिए 4 बार के ऊपर है 3/4 तो घात के ऊपर घात का क्या करेंगे गुणा तो 4 से 4 कट जाएगा और फिर लास्ट में क्या आया 3 की घात 3 और 3 की घात 3 कितना है दोस्तों 3 की घात 3 होता है 27। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया 27। क्लियर। आगे देखो आगे लिखा हुआ है 5 की पावर 1/4। अगर आपने ध्यान से मेरा YouTube चैनल जो मैं रोज पढ़ाता हूँ अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा हो तो याद आया हो तो देखना मैंने यही सवाल पढ़ाया भी था क्लास में वापस दिया है। पॉइंट हटा दिया नीचे 2 जीरो आ गए। 25 से 100 कितनी बार 1/4 बार इसका मतलब 5 की घात 1/4 और इंटू 125 की घात 1/4 ठीक है दोनों की घात सेम है। जब घाते सेम हो तो आधार का गुणा हो जाता है तो आधार का गुणा 5 × 125 और घात वो के वही रहती है घातों का गुणा करोगे तो ये आया 625 और 625 की घात 1/4 625 का टुकड़े करोगे तो 25 × 25 और 25 में 5 दो बार 625 का मतलब होता है 5 घात 4 और ऊपर 1/4 घात के ऊपर घात का आपस में कट जाएगी तो 5 घात कितनी आई दोस्तों 5 घात 1 आई और 5 घात 1 का मतलब 5 तो इसका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों सी 5। आगे है 49 की पावर 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ है 49 मतलब 7 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है फिर है 7 घात 8 फिर भाग का चिन्ह 343 मतलब 7 का क्यूब इसके ऊपर है 3 बराबर 7 का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब हुआ एक्स तो क्या करना है सब जगह देखो वैसे भी 7 ही चल रहा है जब आधार समान है तो घातें समान हो जाएगी तो घात के ऊपर घात का गुणा 7 घात 4 इंटू 7 घात 8 डिवाइड में है 7 की घात के ऊपर घात मतलब 9 बराबर 7x। अब देखो बीच में यहाँ गुणा है और यहाँ भाग है लेकिन आधार तो समान ही है आधार समान हो बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ती है तो 8 और 4 12 इसको तो करेंगे प्लस फिर यहाँ है डिवाइड में क्या करेंगे माइनस बराबर 7x 4 8 कितना हुआ 12 12 में से 9 तो 12 में से 9 गया दोस्तों कितना आया 3 7 घात x इसका मतलब आधार समान तो घाते समान x का मान कितना आया 3 तो यहाँ से x का मान 3 आ गया। क्लियर आगे बढ़ते हैं और आगे दे रखा है 27 27 की घात है 2/3 इंटू 81 81 की पावर है -1/2 बराबर 3 की घात x। अब समझो 3 की घात x है इसका मतलब सब में आधार क्या बनाना आपको 3 बनाना है आधार 3 बना तो 27 को लिखेंगे 3 का घन ठीक है 3 का क्यूब और ऊपर है 2/3 फिर है इसको 81 को लिखेंगे 3 की घात 4 माइनस का 1/2 फिर है 3x घात के ऊपर घात होने पर घातों का करेंगे गुणा तो 3 से 3 तो कट जाएगा यहां पर गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा 2 बार तो कितना आएगा 2 बार और ये गुणा जानना कैसे है 4 × -1/2 ये कुछ ऐसे है तो जब ये कटेगा ना इससे तो ये 2 ऊपर रहेगा ठीक है ताकि गलती नहीं हो तो 3 का तो है स्क्वायर × 3 की घात -2 बराबर 3x ठीक है। अब आधार क्या है समान है आधार समान बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती है 2 में जोड़ना -2 तो 2 में जोड़ेंगे -2 तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है तो 3 की घात 2 - 2 तो 3 की घात 2 - 2 आया और 3 की घात 2 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 की घात 0 आएगी तो 3 की घात 0 बराबर 3 की घात x आधार समान तो घातें समान होने पर x का मान क्या आया 0 तो इस सवाल में x का मान आया 0। क्लियर नेक्स्ट देखो अब जो है वो मेरा पिक जो आ रहा है मेरे सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आप यूट्यूब चैनल जहां पर अभी पढ़ाई कर रहे हो वो है er.naresh prajapat आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक्स गुणा की शॉर्ट ट्रिक भाग की शॉर्ट ट्रिक क्षेत्रफल की शॉर्ट ट्रिक सारी शॉर्ट ट्रिक सीखनी हो तो इंस्टाग्राम जो है मेरा er.naresh prajapat नाम से ये वहां पर मेरी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तीसरा है फेसबुक पे फेसबुक पेज पर आपको वहां पर मेरे क्वेश्चंस वगैरह वीडियो वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएंगे और लास्ट में दे रखा है टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों टेलीग्राम पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF वहीं पर मिलती है और डेली के डेली जो सवाल आते हैं वो यहाँ मिलते हैं और अगर किसी भी तरह से आपको कोई भी सवाल हो जो आपको इंक्वायरी अगर किसी फलक
ऐप से रिलेटेड हो या फिर किसी और के रिलेटेड हो, जो आपको सवाल का ये प्रॉब्लम आए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल है एक्स की पावर 3 के ऊपर 2, तो पावर के ऊपर पावर है तो एक्स की पावर कितनी हो गई 6 मल्टीप्लाई आगे है एक्स की पावर 4 फिर अपॉन में एक्स की पावर आई 10। एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 4 से समझ जाओ आप 6 बार ये ना 4 बार ये कितनी बार 10 बार और नीचे भी कितनी बार 10 बार तो ऊपर भी 10 बार नीचे भी 10 बार तो सब कट गए। तो और जब सब कट गए तो इसका मतलब है एक्स की पावर 0, सब कट गया मतलब 1 आया और 1 का मतलब क्या है मतलब एक्स की पावर 0 10 पे से 10 हो गया तो यहां पर 0 हुआ और सामने बैठा हुआ एक्स पी तो इसका मतलब आधार समान तो गाते समान तो पी का मान क्या आया 0 आया तो पी का मान 0 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है 5 की पावर a प्लस 3 इक्वल 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर और बैठा हुआ नंबर तो उसको उससे गुणा कराएंगे तो स्क्वायर का गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे उससे तो 5 का स्क्वायर 3a-4। अब आगे करें तो 5 की पावर a प्लस 3 देन 5 2 का गुणा करते हैं 6a 2 का गुणा करते हैं 8 आधार समान गाते समान तो गाते समान इस तरह से 6a-8। अब क्या करेंगे संख्या एक तरफ नंबर एक तरफ 8 इधर आ गया 3 प्लस 8 बराबर 6a-a तो 8 प्लस 3 11 ये हुआ 5a। अब a का मान निकालना 5 को उधर भेजो तो 5 कहां जाएगा बटा में तो a का मान कितना आया 11/5। क्लियर, a का मान कितना हुआ 11/5 मतलब 11/5 पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस क्यूब रूट और क्यूब रूट में है कितना x और इक्वल टू है 3। अब जब भी कभी रूट के अंदर रूट आए और सामने अगर निकालना तो रूट के अंदर रूट तो अपन निकाल नहीं पाएंगे तो इसलिए क्या करो इसका रूट हटा दो। जब किसी संख्या का रूट हटेगा तो रूट हटने से सामने स्क्वायर लगेगा तो सामने स्क्वायर हो जाएगा तो ये आया क्यूब रूट x और 3 का कर देंगे स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 तो सीधा आ गया 9 फिर 5 उधर चला जाएगा तो यहां से क्यूब रूट और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो क्या आएगा माइनस आने पर वो हो जाएगा ये 4। अब वापस अपन को x का मान निकालना तो क्यूब रूट हटाओ। अगर किसी संख्या का क्यूब रूट हटाते हो तो सामने वाले पे अगर आपको पावर भेज दी है तो क्यूब रूट हटाओगे तो सामने वाले पे घात लगेगी 3। जैसे रूट हटाया तो सामने लगी 2 वैसे क्यूब रूट हटाएंगे तो सामने घात लगेगी 3। यह आया 4 का क्यूब और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64। इसका मतलब x का आंसर कितना आया 64। ये हुआ 64। क्लियर, आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है p अपॉन q के पावर n माइनस 1 इक्वल में q अपॉन p के पावर n माइनस 3। अगर आधार समान हो जाए तो गाते समान हो जाएगी लेकिन इधर है p by q और ये है q by p अपन क्या करते हैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और जैसे ही संख्याएं इंटरचेंज होती है घात का चिन्ह बदल जाता है। संख्याएं ऊपर नीचे हो जाए तो घात का चिन्ह बदल जाता है तो p अपॉन q इसकी घात है n माइनस 1 और सामने अगर इसको भी कर देते हैं अपन p अपॉन q तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे जो n प्लस का है वो n हो जाएगा माइनस का और जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस का। अब देखो आधार समान तो गाते समान तो आधार समान तो गाते समान। क्लियर, अब क्या है तो यहां से n n एक तरफ कर दो संख्या एक तरफ कर दो तो n इधर पहले से है n इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का इधर 3 है और माइनस का एक उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का n n 2n बराबर कितना आया 4 तो n की वैल्यू कितनी हुई तो n की वैल्यू क्या करेंगे 4/2 और 4/2 से कट गया कितना आया 2 तो n का मान कितना आ रहा दोस्तों 2 आ रहा है ये हुआ n का मान 2। क्लियर, आगे देखो आगे दे रखा है माइनस का 1/2 के पावर पावर तो ऐसा सवाल सेम मैंने क्लास में पढ़ाते समय यूट्यूब पे पढ़ाया था इसलिए क्लास रोज पढ़ा करो सोमवार से शनिवार जो मैं पढ़ाता हूँ और जो इससे पहले पढ़ा दिया है वो मैं टेस्ट के अंदर देता हूँ तो इससे क्या होगा आपकी तैयारी भी हो जाएगी और साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। माइनस का 1/2 के ऊपर पावर इसके ऊपर पावर देखो आप 2 है ठीक है ये पावर 2 है इसके ऊपर वापस माइनस 2 तो पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर के ऊपर पावर होने पर पावर का आपस में क्या होता है गुणा होता है तो ये लिख दिया माइनस 2 इसके ऊपर वापस देखो तो माइनस 1 मतलब और पावर के ऊपर पावर है तो पावर का वापस गुणा करेंगे ये माइनस 1 गुणा कर दिया।
अब समझो 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4 और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस का जो 1/2 है इसकी घात कितनी हो गई 4 और किसकी 4 प्लस की। अब ये समझो ये माइनस, इस माइनस को अगर 4 बार गुणा करोगे माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस, मतलब इसका आंसर जो आने वाला वो तो आएगा प्लस पे। अब 1 है और नीचे 2 है तो 1 की घात भी 4 बार कर लो और 2 की घात भी 4 बार कर लो आंसर आ जाएगा। तो 1 की घात 4 1 ही रहेगा और 2 की घात 4 तो 2 को 4 बार गुणा करो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 1/16, प्लस का 1/16। ये हो गया आपका पहला आंसर, क्लियर। आगे देखो फिर दे रखा है निम्न को अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो नंबर क्या है पहले नंबर देख लेते हैं, क्यूब रूट 4 ठीक है, देन स्क्वायर रूट 2 और देन 6 और यहां है 3 देन ये है 4 और अंदर है 5। मैंने ये सवाल जो है अभी कल परसों ही आपको सिखाया था कि यहां पर कैसे इनको छोटा बड़ा ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं सबकी पावर, तो पावर क्या है फ्रैक्शन, अभी तो है यहां पर इसको फ्रैक्शन में लिखो बटा बटी में, तो 3 है यहां तो इसको लिखते हैं 1/3, 2 की घात कितनी है 1/2, फिर 3 की घात कितनी है 1/6 और यहां 5 की घात कितनी है 1/4। ये हो गया बटा बटी में। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको करना है जो नीचे की संख्या है हर नीचे की संख्या का एलसीएम लेना होता है, 3 का भाग 6 में जा रहा है तो 6 लघुतम हुआ, 2 का भाग 6 में जा रहा है तो 6 लघुतम हुआ, लेकिन 4 का भाग 6 में पूरा नहीं जा रहा है तो एलसीएम सभी संख्याओं का तो एलसीएम 6 नहीं होगा, तो 6 का भाग जाए तो 6 का बड़ा नंबर लाओ या फिर सबका एलसीएम लो, तो 6 से बड़ा 6 के टेबल में 6 के पहाड़े में क्या समझाया था मैंने क्लास में वगैरह आपको, यहां पर जो सिखाया वो ये सिखाया था एलसीएम कैसे लेते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या आए उसका पहाड़ा बोलो, सबसे बड़ा नंबर कौन 6, 6 का पहाड़ा बोलो, 6 के टेबल 6 × 2 = 12, क्या 12 में सबका भाग जा रहा है, पहाड़े में ऐसा नंबर ढूंढना है कि सबका भाग चला जाए, तो 6 का दुगुना 12, 12 में सबका भाग जा रहा है इसका मतलब आपका एलसीएम 12 है, एलसीएम 12 है, तो क्या करेंगे यहां पर सबको 12 से गुणा करा दो, जो एलसीएम आए उससे गुणा करा लो सबको, तो जो एलसीएम आए उससे सबको गुणा करा लो, तो 3 से काट दो 12 कितनी बार 4 बार, 2 से 6 बार, 6 से 2 बार, 4 से 3 बार। अब आगे 4 की घात 4, 2 की घात 6, 3 का स्क्वायर 5 घात 3 ठीक है, ये हो गया। आप देखो आपके जो बटा बटी की संख्या थी वो सब खत्म हो गई और ये संख्या आ गई। अब 4 की घात 4 करोगे तो 4 की घात 4 का मतलब क्या होता है अंगुलियों पे 4, बार बार सिखा रहा हूं मैं, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 और 16 × 16 तो 16 × 16 मतलब 16 का स्क्वायर 256 ठीक है, 2 की घात 6 = 64, 3 का स्क्वायर 9, 5 की घात 3 125। अब क्या बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है वो पहले आएगा, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, सबसे पहले नंबर आएगा क्यूब रूट 4 का, क्यूब रूट 4 सबसे पहले कहां लिखा हुआ है ये, लेकिन यहां पर आप देखो तो यहां अच्छा क्यूब रूट 4 इधर लिखा हुआ है सबसे बड़ा है बिल्कुल सही है, तो यहां पर दे रखा कौन सा पहला वाले ये, मुझे लगा इधर एरो है लेकिन उधर नहीं वो सही था, तो सबसे बड़ा वो है, उससे छोटा कौन है तो उससे छोटा आप देख लो इससे छोटा है ये वाला 4 वाला 5, ये उससे छोटा कौन है रूट 2 और उससे छोटा है 3 ठीक है। ये था आपका आज का जो हुआ था फलक ऐप पर टेस्ट उसका सॉल्यूशन। तो हर रविवार को रात्रि 8 बजे मेरा पेपर होगा, फलक ऐप पर जाइए वहां पर आप टेस्ट पेपर दीजिए और 9 बजे उसी पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर। मिलते हैं कल सोमवार को 9 बजे क्षेत्रफल की क्लास में, तब तक जय हिंद।